हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एपके गुरु चैनल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 7 से 8 ऐसे फार्म के बारे में जो आप करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं और कम पैसे में। कुछ फार्म जो है आपको जो फार्म कीजिएगा उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा भी लग सकता है, कुछ में है कि आपको बहुत कम पैसा में उसको खोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो चालू करने से पहले चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर ये वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, और आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप कम टाइम में अगर फार्म करना चाहते हैं, कम टाइम में इनकम करना चाहते हैं, तो आपको गाय फार्म करना पड़ेगा। गाय फार्म आपको कम से कम आपको 70 से 80 हज़ार रुपये में आपका गाय का फार्म चालू कर सकते हैं आप। मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि आपको फार्म बनाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। आप दो गाय आप कहीं भी रख सकते हैं, छोटा झोपड़ी भी बनाकर रख सकते हैं दो गाय के लिए। ये नहीं कि आप इसके लिए बहुत बड़ा सेट तैयार कीजिए और आप ज़्यादा पैसा खर्च कीजिए। जो आप जो नए किसान हैं जो खेती कर रहे हैं साथ साथ में ये काम कीजिएगा तो आपको ज़्यादा इनकम होगा। जितने जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ ज़्यादा आपको इनकम होगा, आपको 70 से 80 हज़ार रुपये इनकम होगा। आप कम से कम 20 से 25 लीटर ये गाय दोनों दूध देंगी और आप इसको बेच के आप रोजाना 500-700 रुपया 800 रुपया कमा सकते हैं। अब एरिया पर डिपेंड करेगा किस एरिया में क्या रेट है। गाँव एरिया में कीजिएगा तो इससे क्या है खिलाने पिलाने में कम दिक्कत होता है और सस्ता में होगा, मगर वहाँ दूध जो है वहाँ सस्ता ही सेल होता है। सिटी एरिया में कहते हैं खिलाने में खर्च ज़्यादा है मगर दूध जो है सेल जो थोड़ा सा महंगा होता है, 10-15 रुपया ज़्यादा आपको लीटर में महंगा होगा। उसके बाद अगर करना चाहते भैंस फार्म कर सकते हैं। भैंस फार्म भी आपको इतना ही पैसा लगेगा, 80-1 लाख रुपया मान लीजिए। आप दो अगर अच्छी नस्ल की भैंस लेकर आते हैं तो आपको कम से कम 25-30 लीटर दूध आपको ये भैंस दे देंगी और आप बेच के इससे भी अच्छा इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको है बकरी फार्म। तो बकरी फार्म दोस्तों आप दो किस्म की रखती है, बड़ी नस्ल की बकरी आती है सिरोही जो करके होगी, बारबरी होगी जो इस सब नस्ल होगी, एक देसी बकरी होगी। तो अगर आप नए किसान हैं तो आप कोशिश कीजिए आप जिस स्टेट में हैं जिस एरिया में हैं आप अपने वहाँ के लोकल बकरी से आप अपना वहाँ पे फार्म खोलिए और फार्म खोलने के बाद से आप फिर जो है अपने अलग जो नस्ल होती है दूसरे स्टेट की नस्ल होती है बड़ी नस्ल की है तो उसको ला के आप पाल सकते हैं और इससे अच्छा इनकम कमा सकते हैं। ये लगभग आप कम से कम 10 बकरी से फार्म कीजिए, यानी 9 बकरी और 1 बकरा लेकर आइए और इसे फार्म चालू कीजिए। मगर इसमें थोड़ा सा ये आपको है कि आपको इनकम थोड़ा लेट से होगा, लगभग 1.5 से 2 साल में आपको इनकम स्टार्ट होगा। अगर ज़्यादा जल्दी इनकम चालू करते हैं तो गाभिन बकरी लेकर आइए और गाभिन बकरी ला कर वो लगभग 2 से 1 महीना में बच्चा दे देगी, यानी टाइम कम पीरियड वाला टाइम पर लेकर आइए जो जल्दी बच्चा दे दे। उसके बाद उसको 1 साल के बाद वो बच्चा को बेच सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा इनकम कमाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि बच्चे को 6 महीना करके उसके बाद आप बेच सकते हैं। मगर देसी बकरी में ये करना सही नहीं है। आप जो बड़ी नस्ल की बकरी आप उसको 15 केजी का करके 20 केजी का करके आप उसको सेल कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस फार्म से, बकरी फार्म से। मगर अगर आप लेट से लेकर आ रहे हैं जो बकरी कम एज की है तो फिर आपको 1.5 से 2 साल में इनकम चालू होता होगा, क्योंकि अब हर बकरी का अलग अलग टाइमिंग है बच्चा देने का और सब अलग अलग उसमें सिस्टम है खिलाने पिलाने का। आप चरा के भी कर सकते हैं और आप शेड में भी खिला के पाल सकते हैं। मगर दोस्तों आप ये ध्यान रखिए शेड में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। इसमें लगभग आपको लग जाएगा, अगर आप बड़ी नस्ल की बकरी लगाते हैं तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपया लगभग लग जाएगा। अगर देसी नस्ल से करते हैं तो आपको 50 हज़ार रुपये में आप देसी नस्ल की बकरी से आप 10 बकरी लाकर फार्म खोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मुर्गी पालन। मुर्गी ब्रॉयलर भी है और देसी भी है। ब्रॉयलर में दोस्तों बहुत नॉलेज की जानकारी जरूरत है, उसके बाद साथ साथ में बहुत दवा खर्च होती है और उसका जो रेट है मार्केट रेट पूरा एक जैसा चलता है। तो उससे ये नहीं कि आप उसको रेट ज़्यादा करके नहीं बेच सकते हैं। होता क्या है कि उसमें जो बच्चा है ज़्यादा मरती है और इनकम बहुत कम हो जाता है। वो जिसको ज़्यादा आइडिया है जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो करे, उनको लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें खर्च भी ज़्यादा आ जाता है खिलाने पिलाने में। अगर टाइम से ज़्यादा ओवर हो गया जितना खाई वो आपको लॉस ही है, उसके बच्चा भी उसकी बहुत मरती है। मगर आप देसी मुर्गी पालन पालिए और देसी मुर्गी से आपको अच्छा नॉलेज होगा। अगर अंडा पर्पज़ से वो पालना चाहते हैं तो अंडा पर्पज़ से पालिए, या मीट पर्पज़ से पालना चाहते हैं तो मीट पर्पज़ से पाल सकते हैं। ग्राम प्रिया ले लीजिए, बंडाजा ले लीजिए, अंडा के लिए लेते हैं अच्छा अंडा देती है, 220 से लेकर 280 अंडा वो साल में देती है और ये जो है 6 महीना के बाद से अंडा देना चालू करती है। अगर आप हैचरी से लेकर आते हैं बच्चा को, आपको हैचरी से लीजिए, अच्छा हैचरी से लीजिए और अच्छा देखिए कि अच्छा नस्ल का वो दे, कोई ठग ना दे, कोई गलत हैचरी से मत लीजिए। उसके बाद अगर आप मीट पर्पज़ से करना चाहते हैं तो कम समय में आपको FFG जो क्वायरल का है वो आपको आप मीट पर्पज़ से कर सकते हो, 3 से 4 केजी की वो होती है और आप
क्या कीजिए, आप 2 महीने में उसको बेच दीजिए, 1.5 केजी की हो जाएंगे और आपको कम रेट में भी बेचेगा, 200 रुपये केजी आप बेचकर आप उसको 1 से 300 रुपया इनकम आएगा, आप उसमें खर्च कम से कम आपको 100 से 125 रुपया होगा, आपको 150 रुपया उसमें बचना ही बचना है देसी मुर्गी से। मगर थोड़ा एक हफ्ता आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, खिलाने पिलाने में आपको ये देना। दोस्तों अगर जितने मैं ये फार्म बता रहा हूँ, अगर आप इसका पर्सनल वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरा डिटेल फायदा प्रॉफिट आप जाकर देख सकते हैं, इसमें मैं लगभग थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज दे रहा हूँ, बाकी जो आपको पूरा आपको क्लियर चाहिए तो आप जाकर अलग वीडियो में जाकर आप चेक करके आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद हो गया मछली फार्म। मछली फार्म में दोस्तों आप मछली पालन आप कर सकते हैं, आप मछली पालन जो आप तालाब बनाकर तालाब में मछली पालन कर सकते हैं, जैसा तालाब बनेगा वैसा इनकम है, मगर इसमें भी अच्छा इनकम आपको होगा, लगभग आपको हाफ का हाफ पैसा इसमें आपको बचत है मछली पालन से। अब आप देखिए कि आपके एरिया में कौन सा मछली पालन चलता है, रेहू हो गया, कतला हो गया, सिंगी हो गया, मांगुर जो भी है आपका, कौन सा वो आपके एरिया में चलता है उस हिसाब से वो आप मछली को खेती कीजिए और आप उसमें मछली पालन करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद है कबूतर पालन। दोस्तों ये कबूतर पालन तो सेल उतना नहीं है, मगर आप इसका भी पालन कर सकते हैं कबूतर फार्म, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बचत देती है और बहुत जल्दी ये तरक्की करती है कबूतर फार्म जो है, इसमें आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है और इसमें आप कम से कम आप 5 से 10 हज़ार रुपये में ये बिजनेस चालू कर सकते हैं। मछली पालन जो था आप जिस हिसाब से जैसा तालाब रहेगा उस हिसाब से आप पाल सकते हैं, मगर तब भी अगर आप लगभग 100 बाय 100 का अगर कोई तालाब लेते हैं तो उसमें लगभग आपको 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं जो मुर्गी फार्म के बारे में बताया, मुर्गी फार्म जो है आप 100 मुर्गी फार्म चालू कीजिएगा और लगभग आपको उसमें से आपको 10 हज़ार रुपये से 15 हज़ार पूरा खर्च होगा आपको 2 महीना पालने के लिए, फिर आप बेच के आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद हो गया आपको खरगोश पालन। खरगोश कबूतर के जैसा ही है, वो भी बहुत बच्चा देता है और आपको बहुत जल्दी वो ग्रोथ करता है खरगोश, एक खरगोश को आप 300-400 रुपये केजी आप बेच सकते हैं, क्योंकि ये लोग का मार्केट कम है, इसलिए आपको करना क्या है कि आप अपना खर्च देख के उसके हिसाब से आप इसको कम ही प्रॉफिट में बेचें, क्योंकि आपको मार्केट बनाना है तो आपको ऐसा रहेगा। मगर ये सब फार्म कर सकते हैं, सब 10 से 15 हज़ार में ये फार्म कबूतर हो गया खरगोश हो गया आप लाके 10 खरगोश लाकर आप पाल सकते हैं, क्योंकि साथ साथ में आप जो है आप वहाँ पे आप फार्म भी अपना ये खेती भी कर रहे हैं तो साथ साथ में ये चीज़ भी कर सकते हैं। खरगोश के लिए हो गया खिलाने पिलाने की भी दिक्कत नहीं होगा, वो हरा घास इसको खा सकती है, दाना पीना थोड़ा दे दीजिएगा चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हो गया अगर मछली पालन किया तो उसके साथ साथ में बतख पालन भी कर सकते हैं। बतख पालन से ये फायदा होगा कि आपको अंडा भी मिलेगा या फिर मीट पर्पज से भी कर सकते हैं, और दूसरा जो जब वो जो तालाब में जाएगी तो जब वो घूमती है उसके अंदर और डुबकी लगाती है तो उससे ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन पैदा होता है और मछली के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत ही फायदा है। जो आप मछली के बारे में बताएं, मछली आप अलग अलग किस्म के ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी मछली ऊपर रहती है तो उसको मत लीजिए, क्योंकि वो जो बत्तख रहेगी वो खाएंगे, और नीचे जो मछली रहती है वो लीजिए और आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बत्तख जो नीचे जाकर नहीं खा पाएगी, इसके लिए बत्तख जो है ऊपर बहुत सी मछली जो है अलग अलग मिलती, कोई बीच में रहता है, कोई नीचे रहता है मछली और कोई ऊपर में रहती है, तो उस हिसाब से आप ये सब फार्म जो है कर सकते हैं। और जो भी है आप कम जो है कम आप लीजिए, 100 लीजिए, बतख लेना भी 100 लीजिए, खरगोश लेना 10 ले लीजिए, कबूतर लेना 10-15 लेकर पाल सकते हैं। मछली पालन है आप छोटा तालाब में पाल करके चालू कर सकते हैं। और आपको एक बात और ये ध्यान देना है कि आप जो भी फार्म कर रहे हैं, मगर गाय भैंस में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है कि बहुत सी होती है गाय आने के बाद से दूध देना बंद कर देती है या कम कर देती है, तो उससे आपको लॉस होने से उसको खिलाने पिलाने का और इसको जानकारी लेना जरूरी है, उसमें क्या खा रही है पी रही है थोड़ा नॉलेज लेना जरूरी है। बकरी जो है देसी बकरी पालते हैं तो कम खर्चा होगा उसमें और दवा ववा में भी कम खर्चा होगा, और अगर बाहर से दूसरी नस्ल की बकरी लेकर आते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्च होगा, तो उससे आपको थोड़ा पैसा या फिर जो नस्ल जो क्लाइमेट उसे नहीं मिलता तो मरने का डर रहता है, तो पहले चालू कीजिए कुछ भी आप जो भी अपने अपने एरिया के हिसाब से पहले स्टार्ट कीजिए, फिर आप थोड़ा थोड़ा करके लेकर आइए, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा, जब आइडिया हो जाएगा तो आप बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था जो एक छोटा सा आपको नॉलेज था, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपका कमेंट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ भी आपको इसमें से डिटेल चाहिए तो उसके बारे में अलग अलग वीडियो कुछ का आ चुका है, कुछ का वीडियो बाकी है, वो सबका डिटेल आ जाएगा कि कौन सा बकरी या बत्तख या खरगोश कौन सा नस्ल के लें और कौन सा नस्ल का ना लें, कहाँ से लें, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। मगर जो भी चीज़ नस्ल अच्छा होना चाहिए, कि नस्ल अच्छा रहेगा तो आपको इनकम भी होगा और उसी नस्ल से क्या तरक्की भी होगी। ओके दोस्तों।
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।